सुखजिंदर सिंह सुखी रंधावे दे लफज बोल रही हां मैं, जो उन्हें मेनू मान फॉर्म हाउस से बोल बैठे बोले कि अगर तू मेरा कहना नहीं मनेगी बीबी तेरी जायदाद भी जाती रहेगी, घर बार भी जाता रहेगा, तेरी इज्जत भी जाती रहेगी। उस तो बाद इन्होंने जो साइन करवा लिया, फिर इन्होंने एक रिकॉर्डर मेरे सामने रखा कि जो असि लिखा आ पेपर उपर बीबी तू ओही बोलना है, तो ओही बोल के अगे मतलब असि मैं उन्होंने कहा मैं कि तुसी ये रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो, एदा भी कोई मेरा कोई नुकसान होना है? कहते नहीं, ये असि अगे उच्च अधिकारियों सुनाना है कि तेरे नाल ठीक है सब कुछ होया, जो असि लिखा है सारा कुछ बोल दे। फिर भी जी इन्होंने सारा कुछ बुलवाया, सारा कुछ करके उस तो बाद इन्होंने मैनू उत्थों भेज दिता। इन्होंने ब्लैंक पेपर से साइन करवा ले, वकालतनामिया से साइन करवा ले, पर मैं उत्थों जिंदा नहीं मरी हुई, पता नहीं किदा रस्ते च मैं कुछ नहीं खादा, पता नहीं मैं किदा पहुंची अपने घरे, और मैं छुट्टियां लै लिया। उस तो बाद इन्होंने मैनू फोन किया, तीन चार दिन बाद फोन किया कि पठानकोट आ जाओ। मैं कहा कि वीर जी उत्थे पठानकोट की आ, बब्बी ने फोन किया पठानकोट आ जाओ, तुहानू कहिंदे कोई जरूरी काम लई बुलाया आ, तुसीं आ जाओ। मैं इन्हां दे जाल च फस चुकी सी, इन्हां ने मेरी वीडियो बना ली सी, उन्हूं वायरल करन दी धमकी दित्ती पई, इन्हूं जे तू साडा कहना नहीं मन्नेगी, इह सुखजिंदर सिंह सुखी रंधावे दे लफज बोल रही हां मैं, जो उन्हें मैनू मान फॉर्म हाउस ते बोल बैठिया बोले कि अगर तू मेरा कहना नहीं मन्नेगी बीबी तेरी जायदाद भी जाती रहेगी, घर बार भी जाता रहेगा, तो तेरी इज्जत भी जाती रहेगी, इनू मैं वायरल करांगा, अगर तू मेरे कहने मुताबिक बोलेंगी करेंगी तो मैं इनू वायरल नहीं करांगा। मैं ओही डर करके ओही डर अपने दिल दे विच रख के जिदा इन्होंने कहा जिथे इन्होंने बुलाया मैं उथे पहुंच गई। इन्होंने तीन वकीलों को मैनू लेके गए, तिना वकीलों ने उन्हों का नाम सुन के जरा दूसरा परसन से नाम सुन के मना करता इन्हों कि मैं उन्होंने बरखिलाफ नहीं कुछ भी करागा। फिर इन्होंने मैं बहुत समा खिलार छड़िया, गड्डी च बिठा छड़िया, आपस च फोन ते गल्लां करते रहे बहुत समा। फिर किसी डॉक्टर का नाम लिया इन्होंने, क्योंकि बब्बी मेरे कोल ही गड्डी च बैठा सी, कि डॉक्टर साहब ने रेंज कर दिता है, रेंज कर दिता है। रेंज की किया सी उन्हें एक लेडी वकील जड़ी सी उदा रेंज किया सी, फिर उदे कोल चले गए। लेडी वकील कोल गए, उथे जाके एक रजिस्टर सी उदे उत्ते मेरे कोल साइन करवाए, ते लेडी वकील दे सामने इन्होंने 50,000 रुपया रख दिता। उन्हें फड़िया अपने बैग च पाया ते मेरे को साइन करवा के ते मैनू कहंदे भैन जी तुसी जाओ। जद मैं वापस आ गई हां, पर मैं जिंदा नहीं सी, मैं मरी सी उस टाइम, मैनू कुछ नहीं सी पता। मैं कदी तो सोचती सी कि मैं सुसाइड कर जा, मैं की करा, मैं क्योंकि मैं डर भी चुकी सी बहुत ज्यादा, मैं सहम चुकी सी कि मैं पता नहीं मैनू की करनगे। पर मैं अपने एक बीमार बच्चा जड़ा मेरा बच्चा बहुत मुश्किल ना बचिया, एक्सीडेंट हो गया सी उहदा, बड़ा मेजर एक्सीडेंट होया सी, जदों मैनू उहदा फेस याद आया तो मैं बड़ी हिम्मत करके अपने घर तक पहुंची। अगे मेरे नाल इन्होंने की करना सी मैनू कुछ नहीं सी पता। फिर इन्होंने मैनू एक रात कुछ दो तीन दिन दिनों दे विच विच जस्ट एक रात 10 बजे मैनू फोन आया कि SSP दफ्तर गुरदासपुर आ जाओ। जदों मैं SSP दफ्तर गुरदासपुर गई हाँ तो SSP दफ्तर बंद सी, रेजीडेंस से आ जाओ, रेजीडेंस से गई हाँ। SSP भुल्लर जो कि इस गेम विच शामिल है, ये सारा कुछ उन्हें पता सी। मैं भुल्लर नूं पेन ड्राइव नहीं दिती, पेन ड्राइव देने वाला सुखी रंधावा, सब कुछ करने वाला सुखी रंधावा, पेन ड्राइव का कोई जिक्र उथे नहीं होया। जस्ट मैनू बिठा के कहा कि तुसी ओके हो, मतलब ठीक हो? मैं कहा हां जी सर। मैं की कहंदी उथे, इनी गल कह के उन्हें पटका भी नहीं सी बनिया। SSP अपने बेडरूम चो ही उठ के आया सी, कुछ भी नहीं, बस इनी गल करके मैनू उतो भेज दिता। मेरे को एक मैनू कहते कि SSP दफ्तर तुसी चले जाओ, असी आ रहे हैं। मैं पहला चली गई हाँ, उत्थे एक लेडी कॉन्स्टेबल सी, सीमा नाम दी लड़की जिन्हों मैं जानती हूँ, वो आई, उहदे नाल एक होर लेडी सी, वो आई। रशपाल उत्थे गया,
बब्बी उथे गया मेरे लागे बैठे रहे। मैं उन्होंने उस टाइम भी पैर फड़े कि वीर जी तुम मेरे नाल की करन लगे। मैनू कहंदे कि कुछ नहीं करन लगे भैन जी, तुसी फिकर ना करो। मैं कहा कि बहुत वड्डा बंदा आ, मेरा नुकसान कर देगा, मेरे बच्चे का नुकसान कर देगा, नजायज तुसी कर रहे हो, अगले नूं भी पता भी मेरे नाल नजायज हो रही है तो मेरा नुकसान हो जाएगा। कहंदे नहीं, साहब ने कहा कि 15 दिन के विच विच तो तुहानूं आस्ट्रेलिया भेज देना। यह रशपाल ते बब्बी दे लफ़ज़ ने। मैं कहा अच्छा जी, हाँ जी भैन जी, तुहानूं इत्थे रहण ही नहीं देना, तुहानूं उत्थे भेज देना, तुसीं साइन करो। मेरे को इन्होंने उत्थे लिखिया, जो लिखिया इन्होंने रजिस्टर उपर साइन करवाए, सारा कुछ किया। तो मैनूं कहंदे कि तुसीं हुण घर नहीं जाना, तुसीं साडे नाल जाना। तो मैं तुहानूं पहलां वी वीर जी दस चुकी हाँ कि मेरे को बहुत सारे पैट्स ने जिन्हां नूं विचारियां नूं खाणा वी मैं खुद पाउंदी हाँ, बणाउंदी वी मैं खुद हाँ, सारा कुछ मैं खुद करदी हाँ। मैं कहा कि हुण एक फीमेल आ, वह प्रैगनेंट आ, तो मैं उहदी केयर थोड़ी ज़्यादा करदी सी, तो मैं कहा मैं उहनूं खाणा पावां। वीर जी इन्हां नूं लगा कि इहने नहीं आना। यह मेरे मगर मगर अपनी नोवा कार दे उपर वाइट कलर की गड्डी सी, यह मेरे मगर मगर आ गई। रशपाल, बब्बी ते पम्मी जे वह सुन रहे होणगे तो उन्हां नूं सारे सीन उन्हां दीआं अखां दे अगे होणगे। ये आ गए अंदर, आके मेरे बेटे नूं समझाण लग गए। बेटा रोण लग गया कि मम्मा ये की हो रहा। मैं कहा पुत मैं बहुत बुरी तरह फस गई, मैनू इन्होंने बड़ी बुरी तरह फसा लिया अपने जाल च, बच्चे मैं ज्यादा मर जांगी जां इन्हां दे कहने मुताबक चलांगी। दो ही गल्लां हैं। उस लाइन ते आ ही रही हां, आ ही रही हां। उस तो बाद मेरी बेनती सुन लो ना। उस तो बाद जो पम्मी ने जो ये अंदर आए आ मेरे घर आए आ तो मेरे को चलो बैठे ने थोड़ा टाइम, तो मेनू कहंदे कि नाल चलो तुसी साडे धारो वाली, तुहानू इत्थे तुहाडी जान नू खतरा है। मैं कहा कि मैं की करन जाना धारो वाली। कहंदे नहीं, तुसी साहब ने हुक्म किया है कि तुसी चलो धारो वाली साडे नाल। मैं कहा चलो वीर जी तुसी चलो, मैं तुहाडे मगर आउनी आ। मैं इन्हां दे मगर चली गई, फिर उस तो बाद अपने बेटे नू नाल लैके इन्हां दे मगर चली गई, लॉक करके अपने घर नू। जड़ा तुसी मकसद की गल कर रहे हो वीर जी, वह तुहानू मैं हुण दसदी। जदों मैं धारो वाली पहुंची ता फिर इन्होंने मैनु ये गल कही कि जाखड़ साहब ने तानू 50 लाख रुपया भेजा मैनु। कहंदे मैं क्या अच्छा कादे लई? देखो ताडी हेल्प लई भेजा क्योंकि तुसी काफी प्रॉब्लम चो, इसलिए भेजा, जबकि वह सारा कुछ झूठ सी। फिर इन्होंने की कहा कि कहंदे कि उस तो बाद मैं जो इन्होंने रात मैनू इन्होंने अपने घर रखिया, जो मैं घर रही हाँ रात इन्होंने बड़ा मतलब रौला रप्पा पाते रहे, सारा कुछ। मैं सारी रात सुती नहीं, मैं सब कुछ वेखती रही जो कुछ ये करते रहे। अगले दिन बेटे मेरे नू उत्थे ही बंदी बना छड़िया अपने घरे, उन्हू नहीं मेरे नाल आउन दिता। तो मैनू लै गए SSP दफ्तर, मैं जी SSP दफ्तर जाना है कुछ साइन करने ने, जबकि इन्होंने कोई साइन नहीं कराने। ये मैनू लै गए सिविल हॉस्पिटल मेडिकल कराण। हुण मेडिकल कराण लै गए, उत्थे कोई मेडिकल नहीं होया, कोई कुछ नहीं होया, बिठा छड़िया मैनू उत्थों लैके गए। जो कुछ इन्होंने लिखिया ही ब्लैंक पेपरां ते जिहड़े क्रॉस लगे साइन होए सी उन्हां उपर जो लिखिया सी उह इन्होंने अंदर भेजिया। जो कुछ असीं लिखिया आ उह कुछ जज नूं बोलणा आ, सारा कुछ करके। मैं कहा वीर जी मैनू दसो वी मैं की कीता की है, मैं गुनाह की कीता, तुसीं मेरे नाल सारा कुछ क्यों कर रहे? मेरे नाल बब्बी ने फोन ते गल कीती, भैन जी जिद्दां असीं कह रहे हां चुप करके करी जाओ। मेरे को इन्होंने साइन भी करवा लिया, सारा कुछ जो भी करना करवा लिया। मेरे को इन्होंने जज साहब नूं बयान भी दवा दिते जो कुछ भी। फिर उस तो बाद इन्होंने सारा कुछ कर करा के ते दूसरे तीसरे दिन वीर जी वीडियो वायरल कर दिती, सिर्फ इसलिए कि जिमनी चोणा जित लई। जिमनी चोणा जितन लई इन्होंने वीडियो वायरल कर दी, जड़ी वीडियो बनाई सी, जड़ी वीडियो दा मैनू डरावा दे के मेरे को सारे साइन करवा ले, मेरे को सारा सब कुछ मेरे को बुलवा लिया, सब कुछ कर लिया, वो इन्होंने वीडियो वायरल कर दी।
मैं रात रोंदी रही, मैं ना सारिया नूं फोन करदी रही कि वीर जी मैं की गुनाह किया, तुम ये क्यों किया, एडा वड्डा कहर क्यों किया। सरे 2017 चो हुई है जिमनी चोण, सरे 2014 सर वीडियो विच वीडियो से सुचा सिंह लंगाल सी ना, हां जी ओना ओनू हरान ली, ओनू ओनू थ्रेड करन ली, इना ने ए सारा गेम रची, ए सारा कुछ कीता, तो वीडियो नू वायरल कर दिता। इनू वीडियो नू वायरल करके इना ने ए फायदा चुकिया कि ए जिमनी चोणा जित गए। जो सुखी रंधावा वा ओदे किरदार ते मैं थोड़ा जिहा चानना पाउणा चाहुंदी हां कि जदों मैनू अपने परसनल रूम विच बुलांदा सी ते हमेशा मैनू एक गल इहने हमेशा कही आ कि जो मैं दस नहीं सकती, जो मैं एदे विच लिखिया होया तुसीं पढ़ सकदे हो, जो बोलण योग नहीं आ। इन्ना गिरिया होया, इन्ना घटिया इंसान, इन्ना गया गुजरिया इंसान मैं जिंदगी च ना वेख्या ना मैं वेखना। जवाब तुहानू देण लगी आ, तुसी सुन लो। जदो मैं पूरी तरह इन्हां दे जाल विच फस चुकी सी ना, इन्हां ने मैनू फसा लिया सी अपने जाल दे विच, मेरे को ब्लैंक पेपरां ते साइन करवा ले सी, वीडियो इन्हां ने बना के, जदो इन्हां ने लैपटॉप च मैनू वीडियो विखाई है, मैं पेन ड्राइव कढ ली आ, मेरे अगे सुखी रंधावे ने 15 पेन ड्राइव रख दित्तियां कि चक किन्नियां चकेंगी, की करदी मैं उत्थे, ठीक है जी। मैं सारा कुछ मैं तुहानू दसना चाहनी हां कि मैं बहुत बुरी तरह फस चुकी सी, इन्हां ने मैनू फसा लिया सी। देखो वीर जी, देखो वीर जी, जदो जे ताडी ही एक सिस्टर जां ताडी मां ताडी भैण इस जगह ते बैठी होवे, की तुसी ओदा दिल ओदा दिल दुखाओगे? मैं सुखी रंधावे नूं इह पुछणा चाहुंदी जी, मैं स्पष्ट करना चाहुंदी कि मैं एदे विच लिख चुकी हां सब कुछ, एदे विच लिख चुकी वीर जी। जदों मैनूं सच बोलन दा मौका मिलिया ना, मैं मानयोग जज साहब दे सामने सारा कुछ सच बोलिया, मैं क्लियर कीता। देखो वीर जी, जदों मैं मेरे ते एक एलीगेशन लगा है ना कि एक लेडी ने, मेरी बेनती सुनो, मेरे ते एक एलीगेशन लगा ना कि एक लेडी ने एक वीडियो तैयार की ते अपने आप नूं बचाण लई, अपने करन लई, जे करन लई वो करन लई मानयोग SSP गुरदासपुर नूं दित्ती, एही सुनिया सी तुसीं सारिआं ने, ठीक है जी। जे दित्ती मैं दित्ती आ, वायरल किद्दां होगी? क्योंकि मैं दित्ती नहीं है, सुखी रंधावे कोल सी सारिआं पेन ड्राइव्स, वायरल करन वाला सुखी रंधावा। देखो वीर जी, मैं बेनती यही करना चाहनी हां, मेरी बेनती सुन लो, जेड़ा सवाल तुसी मेनू कर रहे हो ना, एदे बारे तुसी चंगी तरह जान दे हो, एदे बारे तुसी चंगी तरह जान दे हो, नहीं तुसी जान दे हो, वीर जी वीडियो दी गल कर दे हो ना, तुसी वीडियो बनाउन वाला सुखी रंधावा, तुसी ओनू सवाल करियो किद्दां बनाया, शायद मैं सब कुछ बोलन दे हालात विच नहीं है, सारा कुछ जानते हो। मैनूं इह सवाल बार बार ना करके हरास करो, मैं पहले टुट चुकी हां, मैं खत्म हो चुकी हां, मैनूं समाजिक तौर ते मैनूं खत्म कर दिता गया, दुनिया विच मेरी जबान बंद करन लई मेरी, मैं जदों, देखो एक गल होर बेनती मैं क्लियर करना चाहुंदी हां,
कि जो मैं अपना क्लैरिफिकेशन हां तुसी मेनू ये सवाल कर सकदे हो कि आज ही क्यों आई। मैं आज इसलिए आई हां क्योंकि मेनू मान सरकार ते बड़ा मान है, फकर है कि मेरी प्रॉब्लम सुनो। सेकंडली मैं 2017 दी 17 दी लिख लिख के अपने उच्च अधिकारियों नु दे रही हां एदे पर खिलाफ, मेरे को सारा सबूत ने 2017 दी ही लिख के दे रही हां। तुसी प्रूफ लेके आए हो, तुसी हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, उसे वीडियो नु लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, वीडियो बारे दसो, वीडियो थाडी है या नहीं है। हाँ देखो या ना देखो मैम, मेरी बेनती सुनो, जे अगर मैनू देखो सर, मेरी बेनती सुनो, जदों ये तुसी सवाल बार बार मेनू कर रहे हो, जबकि तुसी सारा कुछ जानदे हो। नहीं तुसी जानदे हो सर, बेनती मेरी ए आ, देखो नहीं नहीं लंगाह साहब ते मैं कोई इल्जाम नहीं लगाए, लंगाह साहब ते इल्जाम लगाउण वाला सुखी रंधावा है। कंप्लेंट मेरी वीडियो मेरी एक मिनट बेनती मेरी सुनो, बेनती मैं कह रही हूँ, मेरी एक वीडियो इतराज योग बना के मैं जड़ी गल कर रही हूँ वीर जी, मेरी एक वीडियो इतराज योग बना के ते उनू वायरल करने की धमकी दे के मेरे को सब कुछ करवा लिया। बिलकुल 100% जेकर एलिगेशन लाए है ना, मैं जज साहब मैं जज साहब नु बेनती की सी, पहली गल ए कही सी कि तुसी देख सकते हो कि एदे विच मैं कोई किन्ना जे कोई वीडियो बना रहा है, जे किसी दी कोई वीडियो बना रहा है कि मेरे नाल कुछ गलत हो रहा जी, जे हो रहा वो हो रहा, तो इट मीनस फिर उत्थे मैं अपने आप नू शो कर दी कि मेरे नाल वाकई गलत हो रहा। की दसा मैं, की सुनना चाहते हो तुसी दसो, देखो देखो सर जदो मेरे उन्होंने वधिया रिलेशन सी, ऐसी कोई गल नहीं सी, मेरा उन्होंने कोई माड़ा रिलेशन नहीं सी, हैगा वधिया रिलेशन सी सारा जो भी। सेकंडली देखो वीर जी, बड़ी माड़ी स्टेज चो मैं निकली हां, बड़े माड़े हालातों चो निकली हां, 5 साल मैं लोगों दी गल्लां झोली च पा के तुरी फिरदी रही हां, ठीक है जी, मैं अंदरों बिलकुल खोखली हो चुकी हां, टूट चुकी हां, ते बड़ी हिम्मत करके बड़ी एनर्जी लैके बड़ी हिम्मत करके मैं इस जगह ते पहुंची हां तुहाडे कोलों एक इंसाफ मंगण लई कि मेरे नाल बहुत माड़ा होया, मेरे नाल धक्का होया, मेरे नाल नजायज होई, मैनू सिर्फ लोड़ इसलिए पई ओ भी मैं दस दिनी हां कि सुखी रंधावे ने मेरिया जदों इहनू पता चलिया 2017 विच, मैं तुहानू दस दिनी हां जदों एक केस रफा दफा हो गया, उस तो बाद SSP गुरदासपुर ने मेरे बर खिलाफ लेके विजिलेंस नू भेजा कि एक सरकारी मुलाजम होने के नाते अपने बयान तो मुकर गए, इन्हें एक इनकवायरी खोल दिती मेरी मेरे बर खिलाफ, ओ इनकवायरी दे संबंध विच मेनू विजिलेंस दे DSP तजिंदरपाल सिंह ने एक लैटर भेजी जेदे संबंध विच मैं सारे अपने बयान दिते 2017 च, ਉਹ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਕੁਛ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚ, ਜੋ ਮੈਂ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ? 100% ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰਦਾ,
देखो वीर जी मैं ये गल्लां नहीं करनी चाहती तुहाडे नाल, मैं सिर्फ अपनी अपना सिर्फ पक्ष पेश करना चाहनी हाँ, बेनती करना चाहनी हाँ कि मैनू एदा इंसाफ दिता जाए क्योंकि मैनू जिंदा जी इस बंदे ने खत्म कर दिता, मैनू डिस्ट्रॉय कर जवाब दू जो मैं जज साहब से पेश हुई हाँ, मैं जज साहब नु दसिया सारा कुछ, मैं जज साहब नु सिर्फ एक गल कही हाँ कि ये वीडियो मैं नहीं बनाई, मैं क्या उ मैं सेकेंडली ये गल कही कि जज साहब नु ये भी बेनती की थी कि जेडी एफ आई आर है ना उनु वेख्या जाए, ब्लैंक पेपर ते साइन होया सर, क्रॉस लगे पेपर ते साइन होया सर, बिलकुल देखो बेटा जेकर उन्हें मेरिया 15-20 पेन ड्राइवा मेरे अगे रख दितिया, मेरे अगे रख दितिया 15-20 पेन ड्राइव कि तू एक कटी है लैपटॉप चो ते लै फड़ 15-20 होर चक की नहीं कर सकता जे मैं ओदा कहना ना मन दी ते। आज दा पर्पस सिर्फ यही आ कि मैं बिलकुल समाजिक तौर ते मैं मेनू इन्हां ने खत्म किया अपने फायदे लई जिमनी चोणा जितन लई, ठीक है जी, मेरे नाल इन्हां ने बदतमीजियां भी कीतियां बड़ा रफली भी बोले, रंधावा साहब जिन तुम साहब कहते हो मेरा तो साहब कह नू दिल नहीं करता, साहब वाला कुछ है ही नहीं क्योंकि मैं उन्हां नू अंदरों जानती हूं, ठीक है जी, जे तुम उन्हां दी गल करदे हो ते देखो एक बड़ी वड्डी गल है कि जेड़ा मजाक हुंदा ना ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਹੀ ਲਾਇਓ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 100% ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਉਹਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸੀ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਇਆ ਉੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਬੀਬੀ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬੀਬੀ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਝੂਠੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਰ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ
डिपार्टमेंट इंक्वायरी कराई देखो नैचुरली तुसी भी समझदार हो एक बंदा खत्म हो गया है एक बंदे दी वजह करके दूसरा बंदा खत्म हो गया मेनू एक भोन की तरह पीस के रख दिता मेनू खत्म कर दिता मैं खत्म नहीं हुई मैं खत्म नहीं हुई इंक्वायरियां खिलवा रहे हो सब कुछ मेरे को मैसेज है वीर जी तुसी देख सकते जड़िया इंक्वायरियां खिला रहे हो ना करो जनहितैषी टीआरपी नहीं खरीदते भरोसा जीते हैं हम।